नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये सवाल है, गुनिया के बारे में बताइए। गुनिया क्या है? गुनिया एक महत्वपूर्ण औजार है। गुनिया से दुनिया का जमीन माप सकते हैं। जहाँ भी किसी भी कोने में नक्शा बना है दुनिया का, तो कहीं भी किसी भी दुनिया के कोने में आप जो है गुनिया से वहाँ का जमीन प्लॉट को जो है माप कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि गुनिया से अपने क्षेत्र में कैसे माप करेंगे, इसको जानेंगे। इससे पहले आप ये जानना बहुत जरूरी है, नक्शा कैसे बना है, किस आधार पर, कितने के मान से बना है। तो यहाँ पर नक्शा देख लीजिए। ये 16 इंच बराबर 1 मील के हिसाब से अधिकतर नक्शा बना है। तो वहाँ पर देख लीजिएगा, नक्शा में दिया गया रहता है 16 इंच बराबर 1 मील, या और भी कुछ संकेत दिया गया होगा, यानी कि गुनिया इसके बराबर कितना फुट, कितना कड़ी इसको दिया गया होगा नक्शा में, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर 16 इंच बराबर 1 मील के हिसाब से जानेंगे, इसी के आधार पर अधिकतर नक्शा बना है। तो देख लीजिए, तो 1 मील बराबर लिख लीजिए, 1 मील, 1 मील बराबर 80 जरीब होता है, 80 जरीब, ठीक। 1 मील बराबर 80 जरीब, तो एक जरीब बराबर 100 कड़ी होता है, एक जरीब बराबर 100 कड़ी होता है। 1 इंच का निकालेंगे तभी जो है गुनिया के बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। देख लीजिए, यहाँ पर एक जरीब बराबर 100 कड़ी, 16 इंच लिख लीजिए, 16 इंच बराबर 80 गुणा, 16 इंच बराबर 1 मील, 1 मील बराबर 80 कड़ी, तो 16 इंच बराबर भी 80 जरीब होगा, तो 16 इंच बराबर कितना कड़ी, 80 गुणा 100 कर दीजिए, 100, ठीक, बराबर होगा 80 गुणा 100 कर दीजिए, तो बराबर हो जाता है ये 8000 वर्ग कड़ी, इतना वर्ग कड़ी होगा। 16 इंच बराबर 8000 वर्ग कड़ी होगा, तो 1 इंच में कितना वर्ग कड़ी इसको निकालेंगे, 1 इंच में कितना वर्ग कड़ी निकालेंगे, तो लिख लीजिए 1 इंच, स्पष्ट लिख लीजिए, 1 इंच बराबर 8000 बटे 16 कर दीजिए, 16 × 5 = 80 और 0 = 0 बराबर 500 कड़ी होगा, 500 कड़ी होगा। इसके बराबर 5 जरीब होता है, कितना होता है, 100 कड़ी में 1 जरीब, तो 5 जरीब हो गया, और इसके बराबर 330 फुट होगा, 330 फुट होगा। 1 जरीब बराबर 20.1168 मीटर होता है, उसको भी आप जो है निकाल सकते हैं। इसको भी देख लेते हैं, मीटर को भी देख लेते हैं। तो 1 इंच लिख लीजिए मीटर को जानने के लिए, इसको भी देख लीजिए, 1 इंच बराबर, 1 इंच बराबर 5 जरीब है, 5 × 20.1168 कर दीजिए, तो बराबर 1 इंच का मीटर में लंबाई निकल आएगा। हाँ, 5 × 20.1168 बराबर 100.58 मीटर होगा, इतना मीटर होगा मीटर में, 1 इंच बराबर, क्लियर हो गया। यदि 16 इंच के हिसाब से, 1 मील के हिसाब से नक्शा बना है, तो मीटर में भी आप निकाल सकते हैं, ये 100.58 मीटर होगा। लेकिन हम लोग यहाँ कड़ी गुनिया के बारे में जान रहे हैं। ये क्या है, कड़ी गुनिया है। चलिए, ये कड़ी गुनिया है, इसको भी नीचे कर लेते हैं। इतना आप क्लियर हो गया है कि हम लोग 1 इंच बराबर 500 कड़ी निकाल लिए हैं। तब गुनिया को देख लीजिए, गुनिया को यहाँ देख लीजिए, ये देख लीजिए, इसको जो है देख लिए हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये देखिए, ये गुनिया है, गुनिया का पार्ट ये जो है यहाँ
दो पार्ट में विभाजित है, यहाँ जीरो है। इस रेखा से यहाँ तक जो है एक इंच है। एक इंच में कितना बड़ा खंड है इसको देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक एक, दो और ये तीन और ये चार, ये जो है 20 जीरो गुनिया है। कितना गुनिया है? 20 जीरो गुनिया, 20 जीरो गुनिया, ठीक। एक इंच में जितना खंड है उसी के आधार पर नामकरण होता है, उसी के आधार पर आप बोल के गुनिया को खरीद सकते हैं। 20 जीरो गुनिया, 25 जीरो गुनिया, 50 40 गुनिया, कई तरह का गुनिया रहता है। उसको देख लीजिएगा, आप कैसा गुनिया लेना चाहते हैं उसी के आधार पर गुनिया ले लीजिएगा। एक इंच में कई तरह का खंड रहता है, तो यहाँ पर जो है अधिकतर 20 जीरो गुनिया को हम लोग जानेंगे। ये देख लीजिए, ये 20 जीरो गुनिया है। यहाँ से जो है चार बड़ा खंड है, एक बड़ा खंड में पांच छोटा खंड है, इसलिए चार पाँच 20 छोटा खंड होगा, 20 जीरो गुनिया होगा। देख लीजिए कैसे, यहाँ से यहाँ तक जो है 20 छोटा खंड है, 20 छोटा खंड है। छोटा खंड के अनुसार नामकरण होता है, ठीक। तो हम लोग देखेंगे कि एक इंच बराबर कितना कड़ी निकाले हैं, 500 कड़ी, 500 कड़ी। एक इंच में कितना बड़ा खंड है, यहाँ पर चार बड़ा खंड है, देख लीजिए चार बड़ा खंड है। तो लिख लीजिए चार बड़ा खंड बराबर 500 कड़ी है। कितना है? 500 कड़ी। तो एक बड़ा खंड बराबर पाँच सौ बटे चार कर दीजिए, पाँच नहीं चार, 500 बटे चार कर दीजिए, तो बराबर होता है 125 होगा। देख लीजिए, चार एकम चार और चार दूना आठ, पचा पच्चीस, हाँ इतना 125 कड़ी होगा। एक बड़ा खंड बराबर कितना हो रहा है? 125 कड़ी, ठीक। और एक छोटा खंड, तो एक इंच में कितना छोटा खंड है? एक इंच बराबर चार बड़ा खंड है, तो चार गुड़ा पाँच कर दीजिए, बराबर 20, चार पाँच 20 छोटा खंड है, इसीलिए 20 जीरो गुनिया है, 20 छोटा खंड। इस प्रकार से लिख लीजिए, 20 छोटा खंड है, और 20 छोटा खंड बराबर 20 छोटा खंड, 20 छोटा खंड बराबर कितना कड़ी है? 500 कड़ी है, 500 कड़ी। एक छोटा खंड का निकालना है हमें, तो देख लीजिए एक छोटा खंड बराबर 500 बटे 20 कर दीजिए, तो बराबर होगा बराबर, ये जीरो एक जीरो काट दीजिए, 25 दूनी 50 होता है, दो एकम दो, तो देख लीजिए 25 कड़ी होगा। कितना होगा? एक छोटा खंड बराबर 25 कड़ी होगा। यहाँ पर इसको नीचे कर लेते हैं, फिर देख लीजिए, यहाँ पर इसको यहीं से समझ लीजिए, ये देख, एक मिनट, इसको जो है इधर कर लेता हूँ। ये देखिए, एक छोटा खंड यहाँ तक, ये छोटा खंड बराबर क्या हो रहा है? 25 कड़ी, 25 कड़ी हुआ। और यहाँ से यहाँ तक 125 कड़ी। इस प्रकार से जो है आसानी से आप जान सकते हैं। और ये पूरा जो है यहाँ तक तो 5 जरीब हो रहा है। चार बड़ा खंड बराबर कितना हो रहा है? 5 जरीब हो रहा है, 500 कड़ी। इस तरह से आसानी से आप नक्शा को यदि आप मापेंगे, एक छोटा खंड तो आप 20 कड़ी जरीब है आपके पास, एक कड़ी गुनिया है, तो 20 कड़ी आप माप सकते हैं, फुट में भी माप सकते हैं इसको। एक छोटा खंड बराबर देख लेते हैं कितना फुट होता है, हाँ
25 × 0.66 कर दीजिए, 16.5 फुट होगा, फुट में भी लिख लीजिए। 25 कड़ी बराबर यहाँ पर 16.5 फुट होगा, ये देख लीजिए 16.5 फुट होगा। और एक बड़ा खंड आप क्लियर सा लिख लीजिए, एक बड़ा खंड अब पूरा लिख लीजिए, एक बड़ा खंड बराबर कितना मापना है आपको, 125 कड़ी मापना है, कितना मापना है 125 कड़ी। फुट में कितना मापेंगे इसको देख लीजिए, 125 × 0.66 कर दीजिए, ये 82.5 फुट मापेंगे इसको, ठीक 82.5 फुट मापेंगे, 82.5 नहीं सॉरी 82.5 फुट मापेंगे। और एक बड़ा खंड बराबर, एक छोटा खंड आ रहा है, एक छोटा खंड बराबर अपना जमीन को कितना मापेंगे, 25 कड़ी इसके बराबर 16.5 फुट माप कर सकते हैं टेप फीता से, इस तरह से आसानी से जान सकते हैं, इजी तरीका से। और इसमें जो है जानकारी ले सकते हैं, हमारे चैनल में कमेंट कीजिएगा, जहां समझ नहीं आएगा वहां वीडियो बनेगा। और चलिए अब संक्षिप्त में देखते हैं 25 जीरो गुनिया के बारे में, यहीं पर है 25 जीरो गुनिया, देख लीजिए 25 जीरो गुनिया के बारे में जानेंगे हम लोग। ये देख लीजिए, इसको नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर ये देखिए इस रेखा से यहाँ तक तो है आपका कितना है, 1 इंच है यहाँ से यहाँ तक, हाँ ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है। लेकिन इधर देख लीजिए कितना खंड था, इधर कितना है इसको देख लीजिए, एक बड़ा खंड, दो बड़ा खंड, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, 1 इंच में 5 बड़ा खंड है, कितना है 5 बड़ा खंड, संक्षिप्त में लिख लीजिए इसको, 1 इंच में 1 इंच बराबर 5 बड़ा खंड है, कितना गुनिया है ये, 25 जीरो गुनिया कह सकते हैं, या तो 25-20 एक ही गुनिया में है तो 25-20 गुनिया भी कह सकते हैं इस प्रकार से, ठीक ना, 1 इंच बराबर 5 बड़ा खंड है, इसलिए 1 इंच बराबर कितना है, नक्शा जो है बना है वो 500 कड़ी है, 5 जरीब, तो अब 1 बड़ा खंड का निकाल लेते हैं, तो 5 बड़ा खंड बराबर 500 कड़ी है, इस प्रकार से निकाल लीजिए, 1 बड़ा खंड बराबर 1 बड़ा खंड बराबर 500 बटे में कर दीजिए 5, तो बराबर होगा 1 बड़ा खंड बराबर 5 × 5 100 कड़ी होगा, कितना होगा 100 कड़ी होगा, 1 बड़ा खंड बराबर 100 कड़ी होगा, इसके बराबर 1 जरीब, एकदम क्लियर है, इसके बराबर 66 फुट, 1 बड़ा खंड बराबर कितना 66 फुट, 1 जरीब आसानी से माप कर सकते हैं। अब निकालेंगे छोटा खंड, 1 बड़ा खंड में इधर भी जो है 5 छोटा खंड है, देख लीजिए यहाँ पर एक मिनट इसको हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 छोटा खंड है, 25 जीरो गुनिया में 1 बड़ा खंड बराबर 5 छोटा खंड है, तो
लिख लीजिए, एक इंच बराबर कितना, 5 × 5 बराबर 25 छोटा खंड है, 25 छोटा खाना लिख लीजिए, 25 छोटा खाना है, ठीक, 25 छोटा खाना है, तो 25 छोटा खाना बराबर 25 छोटा खाना बराबर 500 कड़ी है, 5 जरीब है, 500 कड़ी है, और एक छोटा खाना बराबर लिख लीजिए, एक छोटा खाना बराबर 500/25, 25 × 50 बराबर 20 कड़ी होगा, कितना होगा, 20 कड़ी। एक छोटा खाना बराबर कितना हो रहा है, 25 × 20 कड़ी, ठीक है, 25 × 20 यदि नक्शा मापते हैं आप तो एक बड़ा खंड बराबर आप मापिए 100 कड़ी, यानी कि एक जरीब, क्लियर लिख लेते हैं, यानी कि 66 फुट, ये हो गया, ठीक, इतना क्लियर हो गया अलग से। और एक छोटा खंड बराबर नक्शा को मापते हैं एक छोटा खंड, तो आप जो है 20 कड़ी मापिए और फुट में जो है 13.2 होता है जी, 5 नहीं, देख लेते हैं, हाँ ये यहाँ पर 13.2 सॉरी इसको 13.2 फुट होगा, ठीक, 13.2 फुट, ठीक, ये देख लीजिए 13.2 फुट। और इस प्रकार से जो है आसानी से निकाल सकते हैं, इजी तरीका से, और भी इसमें जो भी समझ में ना आए तो देख लीजिएगा, ये देखिए इसको, और इसमें कौन सा गुनिया कहाँ पर समझ में नहीं आए कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, धन्यवाद।